सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है निरंतर वेद मंत्रों के स्वाध्याय के साथ हमारे अंदर एक विश्वास एक समरसता और जो एक विज्ञान है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और उत्साह हिलोरे ले रहा है क्योंकि ये सारी संकीर्णताओं से ऊपर है सच्चा जीवन कैसा होता है उसकी कला सिखाता है और जीवन तो सभी जीते हैं पारिवारिक जीवन हो सामाजिक जीवन हो राष्ट्रीय या वैश्विक जीवन हो जीवन उसी का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसका ज्ञान उन्नत होता है आयुष्य का महत्व होता है परंतु जहाँ पर ज्ञान की बात आती है जहाँ पर विवेक की बात आती है जहां पर परस्परता कृतज्ञता नम्रता की बात आती है वहां पर आयुष्य छोटा पड़ जाता है अर्थात तो जो आयु का हम मापदंड रखते हैं आयु वहां पर माने नहीं रखती है हमारा ज्ञान यदि अच्छा है हमारे अंदर व्यवहार कौशल है अपने से बड़ों और छोटों का अपने से बराबरी वालों का हम कैसे सम्मान करें कैसे परस्पर जीवन को अच्छा बनाए दिव्य बनाए वो सारा ज्ञान विज्ञान हमको वेदों से मिलता है आचरण की भी शिक्षा मिलती है व्याकरण की भी शिक्षा मिलती है हम कैसे एक एक व्यवहार को करें तो बहुत ही उन्नत समाज हमारा बनेगा बहुत ही उन्नत जीवन बनेगा आदर्श जीवन बनेगा यदि हम वैदिक जीवन को अपनाते हैं वैदिक विधान को अपनाते हैं वैदिक उपदेश संदेश को आत्मसात करते हैं यूं तो केवल सुनना और सुन करके निकाल देना ये एक अलग स्थिति है दूसरी जो उच्च स्थिति है एक शब्द सम्यक जाता स्वर्गे लोके कामधुक भवती यदि हम एक शब्द को भी अपने जीवन का आधार बना लेते हैं तो वो शब्द हमको स्वर्ग तक की यात्रा कराता है वह स्वर्ग जैसा वातावरण हमको दिला देता है स्वर्ग नहीं है तो स्वर्ग जैसा जीवन बना देता है अतः ये रोज का जैसे हम रोज शरीर साफ करते हैं दंत धावन करते हैं आँखों को धुलते हैं शरीर साफ करते हैं वैसे ही मन को साफ करने के लिए वैसे ही अपने विचारों की शुद्धि के लिए अपने व्यवहारों की शुद्धि के लिए परिपक्वता के लिए हमको वेद मंत्रों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए अतः वैदिक जीवन पद्धति में हम स्वाध्याय जो कर रहे हैं देव यज्ञ का उसमें जो आहुतियां देना है कैसे भाव से दें, कैसे विचारों से दें उसमें संगठन सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे पहले मंत्र का स्वाध्याय हो गया था आज हम दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न ले आगे चलते हैं। आगे आगे चलें। तो आगे के मंत्र में क्योंकि जो पहला आ, मंत्र हमने संगठन सूक्त का पढ़ा था संगठन का आधार ईश्वर है वही सबको मिलाने वाला है तो सन समिति वृषण नग्ने विश्वा आ इड़स्पदे समिध्य से सनो वसु न्या भरा आज ये जो मंत्र मैं लिखने जा रहा हूँ ये बहुत प्रसिद्ध है और आज तो राष्ट्र की ऐसी स्थिति है कि भारत का जो राजा है वो भी वेदों के मंत्रों का उद्घोष करता है तो निश्चित रूप से ये ऋषियों का देश है और सदा रहेगा इस मंत्र को आपके समक्ष में लिखता हूं और फिर आगे इसकी हम व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे संग छध्व संवद्वम संघ छध्व संवदध्वम संघ छधम संवदध्व संवो मनासी जानताम मनासी जानता देवाभागम यथा पूर्वे देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजा नाना उपासते एक बार उच्चारण करेंगे संघछध्वं संवादध्वं संघछध्वं संवादध्वं सम्भो देवाभागं यथा पूर्वे यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संघच्छद्वं संवादद्वं सम्बोधनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजाना उपासते।, उपासते बहुत सुंदर यह मंत्र है हमारे जीवन को एक प्रकाश देने वाला है और ऐसे भावार्थ में किसी कवि ने कहा प्रेम से मिलकर चलो बोलो सभी जानी बनो पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो इस संसार में हमारा जो जीवन है वह जीवन निश्चित रूप से परस्परता से युक्त तो होना चाहिए हमारा जीवन सर्वश्रेष्ठता से युक्त तो होना चाहिए इसके बिना हमारा जीवन ठीक चल नहीं सकता है अतः यह वेद मंत्र जैसा मैंने पहले ही निवेदन किया था कि वेद ये ऋग्वेद का उपदेश देकर हजारों मंत्रों का उपदेश ईश्वर ने दिया हजारों प्रकार से विधि निषेध की बातें बताई और अंत में संगठन सूक्त के माध्यम से अंतिम शिक्षा दी कि सारी जो शिक्षाएं हैं सारी जो बातें हैं वो तभी अच्छी होंगी जब तुम संगठित तो होकर के अपने जीवन को जियोगे चाहे छोटा परिवार हो बड़ा परिवार हो समाज हो राष्ट्र हो संसार हो बिना परस्पर के परस्पर व्यवहार के वह जीवन श्रेष्ठ नहीं हो सकता है सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है हम दुखी रहेंगे दूसरों को दुखी करते रहेंगे इसलिए एक गति और एक जो है उत्साह गति से युक्त जब उत्साह से युक्त गति होगी तो निश्चित रूप से प्रगति होगी और इस वेद मंत्र में हम अनेक बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो यहां क्या कहा कि संग हे जना संग छम संवदध्वम मनुष्यों तुम संग मिलकर के चलो गमरली गतो गति करनी है तो तुम कैसे करो साथ साथ मिलकर के गति करो संग छध्वम संवदध्वम मिलकर के बोलो और वह तुम्हारे जो मनांसी जो मन मनसी मनांसी मनह मनसी मनांसी बहुवचन का प्रयोग किया है कि जो है तुम्हारे मन तुम सबके मन क्या हो संता एक प्रकार की विचार करें एक प्रकार से जाने मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए मन में कोई भेद नहीं होना चाहिए विपरीत आसन हमारा नहीं होना चाहिए इसलिए यह बात निश्चित रूप से हमको ठान लेनी चाहिए मान लेनी चाहिए कि जैसे हमारे पूर्वज देवाभागम यथा पूर्वे जो प्राचीन देवाहा देवो या विद्वानों ने संजानाना है एक मत होकर के एक अपने अपने भाग को उपासते स्वीकार किया इसी प्रकार तुम भी एकमत होकर के अपना जीवन अपना जो भाग है उसको स्वीकार करो हे मनुष्यों मिलकर के चलो मिलकर के बोलो तुम्हारे मन एक प्रकार के विचार करने वाले हो अलग अलग विचार वाले ना हो जिस प्रकार प्राचीन विद्वान एक मत हो करके एक जैसे तो व्यवहार होता है उसी प्रकार हम भी एक मत हूं मतभेद नहीं होना चाहिए अगर विचार करना है खूब विचार करें सबको अधिकार है विचार करने का अपना मंतव्य रखने का लेकिन जो कल्याणकारी है वो कार्य ही हमारे जीवन में श्रेष्ठ हमको बनाता है एक छोटा परिवार है पांच चार तीन सदस्यों का परिवार है यदि उन तीन क्या दो सदस्यों में भी पति पत्नी में भी यदि साथ चलने का सामर्थ्य या साथ चलने का विचार ना हो तो वो कभी विवाहित भी नहीं हो सकते साथ साथ निभाने जब ये तो वैदिक परंपरा है ये जो है सनातन परंपरा है साथ फेरे लेते हैं पति पत्नी और एक एक पद का क्योंकि ये प्रसंग नहीं है कभी उसकी चर्चा आएगी तो करेंगे एक एक जो है सप्तपदी भव साथ फेरे लेते हैं और वो विचार पूर्वक लेते हैं तो उनके विचार बराबर समान हो जो जीवन जीने का वचन दिया साथ साथ वो कभी अलग ना हो अगर पति फेरे लेने में असमर्थ हो पत्नी फेरे लेने में असमर्थ हो तो क्या विवाह हो जाएगा विवाह संपन्न नहीं होगा या कोई अपवाद में ऐसा है वो फिर नहीं ले पाता तो वो वो बात अलग है लेकिन एक विधि एक विधान है उसका पालन हमको करना पड़ेगा साथ साथ चलना साथ साथ मिलकर के जो है अपने विचार रखना तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है उसका संबंध समाज से है वह समाज का एक अंग है व्यक्ति व्यष्टि और समाज समष्टि संगठन में समष्टि जो है सुदृढ़ होती है संगठन निर्बल को भी बलवान शक्तिहीन को भी सामर्थ्यवान बना देता है अतः ये कहा गया है जो बहुत आप स्थान स्थान पर विशेषकर विद्यालयों में या ऐसे कोटेशन देख सकते हैं संघे शक्ति ही कल युगे है कलयुग में क्या है संगठन में शक्ति है और निश्चित रूप से एक श्लोक आता है और एक कथा भी आती है कि एक जो है बूढ़ा पिता अब अपने जीवन को समाप्त करके परलोक सिधार रहा है अब उसको लगता है कि मेरा जीवन अब आगे नहीं बढ़ेगा चार संतानें उसकी होती हैं और वो सबको बुलाया कि मैं जो है इस पूरे संपत्ति का बंटवारा करके आपको देना चाहता हूं ताकि कोई इसमें लड़ाई झगड़ा ना करें लेकिन आपका बौद्धिक सामर्थ्य क्या है उसको पहले मैं परीक्षण करूंगा इसके बाद मैं उसको हाँ बांटूंगा या अभी उसको मालिक बना दूंगा इसका उसके नीचे सारे अपने अपनी सेवाएं देंगे एक घर का मुखिया तो होता है ना मुखिया किसको बनाएंगे जिसके बौद्धिक सामर्थ्य होगा वही तो मुखिया बनेगा मुख्य व्यक्ति होगा तो बड़े उत्सुक हुए बोले आप परीक्षा लीजिए पिताजी चार बेटों ने कहा बोले ठीक है कुछ छड़ी ले आइए छड़ी ले आए बोले एक एक छड़ी दे दिया बोले इसको तोड़ दीजिए और इसमें क्या है प्रसन्न इसमें क्या है इसमें क्या परीक्षा उन्होंने तुरंत तोड़ दिया अच्छा दो दी दोनों तोड़ दिया अब उन्होंने जितनी फिर लकड़ियां छड़ी थी उनको कहा इसको बांध दीजिए बांध दिया अब बोले अब एक एक करके इसको तोड़िए अब जब बंध गई वो छड़ी तो तोड़ नहीं पाए तोड़ नहीं पाए तो इसका तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य यह है कि आप चार हैं और यदि चार बंधे रहेंगे तो तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा और यदि बट गए अलग अलग हट गए तो आपकी उन्नति नहीं होगी इसलिए आप अपने जीवन को संगठित रखिए संगठन में रहिए तभी जीवन अच्छा बनेगा इसलिए निश्चित रूप से सदगुण युक्त थोड़े व्यक्ति भी हो तो संगठित होना कल्याणकारी है और तिनके मिलकर के जैसे रस्सा बनते हैं और उनको बड़े बड़े मदमस्त हाथी भी तोड़ नहीं पाते है तो एक तिनका लेकिन संगठन उन्होंने संगठित कर लिया अपने को मिला लिया और इतना मजबूत बना लिया अपने आप को कि उससे हाथी भी बांध दिया जाता है हाथी भी उसको तोड़ नहीं पाता है यह संगठन का महत्व तो है संगठन की महिमा अपार है समाज में प्रतिष्ठित रूप से जीवित रहने के लिए संगठन अनिवार्य है अतएव मंत्र में कहा कि प्राचीन ऋषि मुनि जो श्रेष्ठ जीवन जीते थे एकत्व में रहते थे एकत्व का महत्व तो समझ करके उसको जीवन में उतारा था उन्होंने उसी प्रकार हम भी सु, संगठित रहें इसके लिए आवश्यकता है कि हम सभी एक साथ उठे बैठें अब एक साथ उठने बैठने का मतलब ये नहीं कि एक साथ ये कहने का आशा ये है कि एक साथ हम अपने सारे कार्यों को मिलजुल करके करें अब ऐसा तात्पर्य इसका नहीं लेना कि एक साथ उठें एक साथ बैठें एक साथ चलें ऐसा नहीं कहने का भाव ये है कि हमारी गति प्रगति एक साथ होनी चाहिए हम किसी की टांग खींचने का काम ना करें हम किसी को ऐसा नहीं कि वहां वो बैठा तो मैं वहां नहीं जा सकता आज कल नब्बे से 99 प्रतिशत घर इसीलिए टूट जाते हैं क्यों छोटी छोटी संस्थाएं भी टूट जाती हैं क्यों क्योंकि उनके जो है विचार साथ में मिलते नहीं उनका व्यवहार साथ साथ चलता नहीं वो एक दूसरे बोले वो जहां जाएगा मैं नहीं जाऊंगा वो जहां बैठा वहां नहीं बैठूंगा वहां मैं नहीं बैठ सकती मैं उससे बात नहीं कर सकती क्यों क्योंकि ऐसा अभ्यास किया नहीं वेद मंत्र हमको कहता जब पांच सदस्यों चाहे पचास हो चाहे पांच हजार पांच लाख पांच करोड़ हो जहां संगठन है वहां कभी विघटन नहीं हो सकता और जहां विघटन नहीं होगा वो सबसे शक्तिशाली व्यक्तित्व वाले राष्ट्र होते हैं व्यक्तित्व वाले वो समाज होते हैं अतः हमको निश्चित रूप से मिलकर के विचार करना चाहिए परस्पर विचार विनिमय करना चाहिए अब जो है मन की बात मन में रखें दूसरे की बात न सुनना चाहते हैं ना अपनी बात कहना चाहते हैं जिससे बड़ी परेशानी होती है अतः हम जो भी करें मिलकर के साथ करें एक बुद्धि वाले होकर के करें ऐसे करने से हमारी सदा उन्नति होगी कभी अवनति नहीं होगी और क्योंकि परमात्मा हम सबको मिलाने वाला है ये पहले ही इस प्रार्थना को करते समय पहले ही कह दिया है इसलिए वह ईश्वर हमको सुख देना चाहता है हमको कभी भी वो दुखी देखना नहीं चाहता है लेकिन जब हम अपने हट दुराग्रह को अपने कुविचार को कुसंस्कार को हटाना नहीं चाहेंगे तो दुख मिलेगा दुख कोई हमको फिर दुख से कोई बचा नहीं सकता है इसलिए उस परमात्मा का हमेशा ध्यान रख करके ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जो संगठन है जो हमारा एक जीवन तरासने वाला जीवन को संवारने वाला जो विधान है उसका हम कभी अतिक्रमण ना करें और बहुत सुंदर ये प्रार्थना भी साथ साथ हम करते चलते हैं दया देव सुख दाता पिता तू ही हमारा है तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है यदि पिता वो मिलाने वाला ना हो तो कोई संगठन बन नहीं सकता वो पिता सबको मिलाने वाला है हम सबको उत्पन्न करने वाला सन बंधुर जनिता सा विधाता है वो इसलिए कहा कृपा कर के कृपा सागर हृदय में तू हमारे आ प्रकाशक पापनाशक तू तू ही सबका सहारा है दयामय देव सुख दाता पिता तू ही हमारा है अविद्या क्लेश बंधन का पिता तू काटने हारा न हम को चाह है यश की यही ना काम ना मेरी दया मय देव दाता पिता तू ही हमारा है हमारे पर दया कर दे तुझी ने विश्व धारा है दया मय देव दाता पिता तू ही हमारा है तुझे बस चाहते हम हैं न तेरे बिन गुजारा है तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है दया दु होकर भी न दोगे घर शरण हमको तो जाएंगे कहाँ भगवन तू ही सबका सहारा है दयामय देव देव सुखदाता पिता तू ही हमारा है तुझे प्रभु छोड़ कर जग में नहीं कोई सहारा है तो सब सहारा बनेंगे जब हम उस परमात्मा को अपना सबसे बड़ा सहारा बना लेंगे इस दृष्टि से हमको सदा सर्वदा ओत प्रोत रहना चाहिए और ये जो प्रार्थना है संग छधम इसको सदा पालन करना चाहिए एक एक मिट्टी का कण जब वो बंध जाता है आपस में सट जाता है जुड़ जाता है तो वो बहुत कुछ अपने आप में रखने का सामर्थ्य प्रकट कर लेता है सामर्थ्य बना लेता है चाहे ईट के रूप में हो पत्थर के रूप में हो घड़े के रूप में हो कोई भी यदि हम पात्र मिट्टी का लेते हैं तो मिट्टी क्या करती है संगठित हो जाती है एक एक कण क्या हो जाता है संगठित होकर के पात्र अपने आप को बना लेता है तो हम सदपात्र बने अपने आप ज्ञान का वो भंडार हमारे अंदर सब सामर्थ्य दे देता है एक हम ये वस्त्र पहनते हैं और वस्त्र भी एक एक तंतु बनकर के एक मिलकर के एक एक तंतु को जो है पहले बनाते हैं फिर तंतु से वस्त्र बनाते हैं ये क्या है संगठन संगठन का ही परिणाम है कि हम अपने तन को ढकने में सामर्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं यदि कोई सर्दी उसको लग रही है और एक जो है ऊन का कोई टुकड़ा उसको दे कि इसको पहन लीजिए पहन पाएगा क्या उसकी सर्दी जाएगी क्या नहीं जाएगी इसलिए वो वही एक ऊन का टुकड़ा या ऊन का गोला जब उसको हम बुन करके वस्त्र बना देते हैं वो संगठित हो जाता है तो उसमें वायु प्रवेश नहीं कर पाती ठंडक नहीं प्रवेश कर पाती है और वो हमको गर्मी देता है हम बड़े शान से कहीं भी आते जाते हैं सफर करते हैं इसलिए अपने जीवन में संगठित रह करके जीना सीखें संगठित रहेंगे तो कभी भी हम पतन को प्राप्त नहीं होंगे बहुत ही तेजस्वी बनाने वाला यह मंत्र है हम ऊर्जा से अपने उत्साह से सदा अपने आप के जीवन को और सबके जीवन को आगे बढ़ाते रहें इस मंत्र की चर्चा अगली कक्षा में और करेंगे अभी यहीं पर विराम देते हैं ओ शांति शांति शांति